हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे विल डिस्कस ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑफ नेल्सन मंडेला। ये क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी आज़ादी की लंबी यात्रा के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला का। ओके, ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, और ग्राफी मीन्स लिखना, जो खुद के जिंदगी के बारे में लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। उनका बचपन का नाम क्या था? रोली लाला था। ओके, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि बचपन का क्या नाम था, तो रोली लाला था। ओके, द फादर ऑफ द नेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपिता के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। जिस तरह भारत में राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को, उसी तरह साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ओके, नेल्सन मंडेला को गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला वॉज बोर्न इन साउथ अफ्रीका ऑन 18 जुलाई 1919, यानी उनकी जन्म कब हुई? 18 जुलाई 1918 में हुई। और उनकी डेथ कब हो जाती है, मृत्यु हो जाती है? 5 दिसंबर 2013, जब उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय उसका कितना एज था? 95 ईयर्स था। लेकिन अपनी ज़िंदगी की एक तिहाई हिस्सा उन्होंने कहाँ गुजार दी? जेल में गुजार दी। ओके, लगभग 30 साल उन्होंने जेल में गुजारी। क्यों गुजारी? अपार्थिड एक वर्ड है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब होता है इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था अपार्थिड, एक ऐसा अंग्रेजों ने ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम लाया था, ओके, पॉलिसी लाया था, जो लोगों को क्या करता था? सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो लोगों को अलग करता था किसके अनुसार? रेस के अनुसार, कलर के अनुसार, क्रीड के अनुसार, डायनेस्टी के अनुसार, कम्युनिटी के अनुसार। तो उसको क्या कहा जाता है? अपार्थिड। तो इसको जो है ख़त्म करने के लिए नेल्सन मंडेला ने क्या किया, उसको समाप्त करना चाहते थे। लोग साउथ अफ्रीका में सिर्फ 9% लोग थे, गोरे लोग थे। ओके, जो और काले लोग कितने? 80-85% 90% लोग काले लोग थे, उस पर शासन चला रहे थे। तो चूंकि नेल्सन मंडेला भी देखने में काला था, ओके, ब्लैक थे, तो उन्हें उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। तो काले लोगों पर अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। यानी साउथ अफ्रीका कभी क्या नहीं हुआ था? कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ था। ओके, लेकिन वहाँ के जितने भी वाइट पीपल जो थे, लोग थे, गोरे लोग थे, वो लोग क्या करते थे? काले लोगों पर शासन कर रहे थे। तो वहाँ नेल्सन मंडेला को लगा कि ये हम पर क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं, यानी हमारे वंचित कर रहे हैं, हमको जो है मेरा अधिकार है, हमारा देश है, मुझे जितना गोरे लोगों का जितना अधिकार है हमारे देश में, उतना मुझे भी अधिकार है। ओके, तो इसलिए उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की, ANC। ANC में से होता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उस पार्टी से ज्वाइन की 1944 को, 1994। इससे भी पूछा जा सकता है कब ANC से ज्वाइन किए, तो 1944 में वो ज्वाइन करते हैं। ओके, और उन इन दिस एग्जैक्ट नेल्सन मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। इस एग्जैक्ट में, यानी नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा उसका एक अंश है, उसमें नेल्सन मंडेला बात करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं? इनोग्रेशन सेरेमनी के बारे में बात करते हैं, शपथ समारोह उनका होता है। ओके, उसके बारे में चर्चा करते हैं, कब होता है? 10 मई 1994। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि इनोग्रेशन सेरेमनी कब हो रहा था नेल्सन मंडेला का, तो 10 मई 1994। ओके, नेल्सन मंडेलाज पार्टी, ओके, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। आखिरकार बहुत लंबे संघर्ष करने के बाद, यानी नेल्सन मंडेला और नेल्सन मंडेला की पार्टी को लंबे संघर्ष करने के बाद, किसके खिलाफ? अपार्थिड के खिलाफ एक डेमोक्रेटिक, अंग्रेजों ने एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराया। ओके, और उसमें साउथ अफ्रीका में, ओके, तो कब हुआ वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन? 1994 में। यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। नेल्सन मंडेला की पार्टी जो थी, उन्होंने कितना 252 जो है सीट्स लाई। ओके, 252 सीट आउट ऑफ 400 सीट्स, 400 सीटों में 252 सीट में वो उनकी पार्टी में, नेल्सन मंडेला की पार्टी ने जीती। तो जिसके वजह से उन्हें एक मौका मिला राष्ट्रपति बनने का, साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट के बनने का। ओके, तो मोर देन 140 कंट्रीज पॉलिटिकल लीडर्स, 140 कंट्रीज से अधिक देशों के लोग से अधिक लोग क्या हुए थे? पॉलिटिकल लोग जो थे, यानी नेतागण जो थे और गणमान्य डिग्नेटरीज, गणमान्य व्यक्ति थे, वो लोग क्या किए थे? उस सेरेमनी में अटेंड हुए थे, उन्हें शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए वो लोग अटेंड हुए थे। ओके, तो आपको यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कितने कंट्रीज़ के डिग्नेटरीज थे या पॉलिटिकल लीडर्स अटेंड हुए थे उस सेरेमनी में, तो 144 कंट्रीज। क्योंकि जब गोरे लोगों का वहाँ शासन चल रहा था साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ दूसरे देशों का जो है आना जाना बहुत ही कम था, है ना, क्योंकि गोरे लोग क्या कर रहे थे? शासन चला रहे थे, वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं हुआ था। ओके,
अच्छा संबंध नहीं था गोरे लोगों से, ओके। इसलिए जब जब वहाँ राष्ट्रपति जब ये बन रहे थे, यानी उनका समारोह जब हो रहा था, तो इन्हें लगा कि आज अब एक अच्छा रिश्ता बनाया जा सकता है, व्यापार किया जा सकता है, इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ गए थे। नेल्सन मंडेला को बहुत लोग लायक भी करते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, महात्मा गांधी से बहुत चीज़ सीखे थे, नॉन वायलेंस के जो है, नॉन वायलेंस जो था, अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे, ओके। मंडेला वाज एकम्पनीड बाय हिज डॉटर जेनानी। जब वो उनका समारोह हो रहा था, ओके, तो उस समारोह में, शपथ समारोह में उनकी बेटी जो थी, एक डॉटर थी, जेनानी, ओके, जेनानी उसमें एकम्पनीड थी, उनके साथ थी। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि सेरेमनी में, यानी इनोग्रेशन सेरेमनी, कौन कौन लोग कौन थे उसके साथ, तो उनकी बेटी थी, ओके, जेनानी नाम था उसका, ओके। मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट सोर्न एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उनके दो डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे, ओके, एक पहले कौन थे, थाबो मबेकी, और दूसरा कौन थे, मिस्टर डी क्लार्क के। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कितने उपराष्ट्रपति उनके थे, तो दो थे, ओके, टू। दोनों का नाम याद कर लेना है आपको, लेकिन मिस्टर डी क्लार्क के जो है पहले शपथ लेते हैं, है ना, सेकेंड डिप्यूटी के प्रेसिडेंट के रूप में, और बाद में लेते हैं थाबो मबेकी, उसके बाद लेते हैं नेल्सन मंडेला, ओके। द विज़न ऑफ वाइट सिंगिंग, वाइट सिंगिंग का जो विज़न था वो क्या था, यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, ओके। एंड द विज़न ऑफ ब्लैक्स, ब्लैक्स का विज़न क्या था, वो सिंगिंग का था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक सिंगिंग था, डाई स्टेम, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद कर लेंगे, ओके। द विज़न दोनों याद हो जाएगा आपको। मंडेला वाज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, लॉ अबाइडिंग सिटीजन उसको कहा जाता है जो कानून के अनुसार चलते हैं, लेकिन लॉ अबाइडिंग सिटीजन थे मंडेला, लेकिन उनको आउटलॉ कहा जाता था। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि कैसे थे वो आउटलॉ, आउटलॉ मीन्स जो है कानून के विरोधी, यानी कानून का उल्लंघन करना, वायलेट करना, उनके अनुसार नहीं चलना, उसी को आउटलॉ कहा जाता है, ओके। हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, कितने साल गुजारना पड़ा उनको, 30 साल, लगभग 30 साल गुजारना पड़ा उनको। पहले जो सबसे पहले क्या गया था, अरेस्ट किया गया था उनको, उनको 1962 में अरेस्ट किया गया था, ओके, किसको, नेल्सन मंडेला को। और उनकी रिहाई हुई कब हुई, 12 जुलाई 1964 में, ओके, सॉरी, उनकी रिहाई 27 साल के बाद हुई, 11 फरवरी 1990 को हुई, ओके। तो यानी 27 साल लगभग कहां रहे, जेल में रहे, ओके। जेल में गुजारने के बाद जो है लंबी, लेकिन वहाँ भी उनको कोयला खान जो हुआ करता था जेल में, वहाँ भी कोयला खानों में काम करवाया जा रहा था, ओके। लेकिन उनकी जो है जो भूख थी आज़ादी की, हंगर ऑफ फ्रीडम थी, वो वहाँ भी उनकी कम नहीं हुई, ओके। लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, जब उनकी रिहाई हुई तब डेमोक्रेटिक जो है हुआ, 1994 में ही हुआ इलेक्शन, और उसमें जीते और वो राष्ट्रपति बनने का एक मौका मिला, ओके। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा सकता है, मंडेलाज बॉयहुड फ्रीडम वाज कैसा था, एक इल्यूजन था, इल्यूजन में से भरम था, उनको लगता था कि हम साउथ अफ्रीकन हैं, साउथ अफ्रीका में पैदा हुए हैं, और हमको आज़ादी क्यों नहीं मिली। उनका एक बहुत ही फेमस लाइन है, स्टेटमेंट है, आई वाज नॉट बॉर्न टू बी फ्री, कि मैं पैदा हुआ हूँ इसलिए नहीं कि मुझे आज़ाद होना है, बल्कि बट आई वॉज बॉर्न फ्री, बल्कि मैं पैदा ही हुआ हूँ, आज़ादी पैदा हुआ हूँ, तो फिर अंग्रेज लोग मुझ पर क्यों शासन चलाएंगे, उनका यही था। और उनका एक सेंटेंस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस था, कि पीपल आर द वेल्थ ऑफ नेशन, कि किसी भी राष्ट्र का जो है लोग जो होते हैं, जनता जो होती है, वहाँ के नागरिक जो होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत बड़े धन होते हैं, ओके। तो हमसे भेदभाव क्यों किया जा रहा है, इस पर जो अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस, उनका कहना था कि हर आदमी को दो ऑब्लिगेशन होता है, दो ड्यूटीज़ होते हैं, है ना, टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रेन, ठीक है। पहला क्या होता है कि अपनी वाइफ को देखे, अपना फैमिली को देखे, अपना चिल्ड्रेन को देखे, और अपने पेरेंट्स को देखे। और दूसरा जो है उनका है, उनका दूसरा टू हिज पीपल, कम्युनिटी और कंट्री, के उसका अपने वहाँ के लोगों का जो है, लोगों पर ध्यान दे, उसके कम्युनिटी पर, फिर कंट्री पर, ओके। यानी दोनों से प्यार करना चाहिए, फैमिली से भी, रिश्ता अपना परिवार से भी, अपना कंट्री से भी, ओके। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपसे। तो इन्हें अब हम लोग बात करते हैं इनके प्राइजेज़ की। इनको गांधी जी का प्राइज़ भारत रत्न भी दिया गया था, 1990 को दिया गया था। कहा जाता है कि पीएफ नेल्सन मंडेला पहले विदेशी थे जिन्हें जो है भारत रत्न में दिया गया, लेकिन खान अब्दुल खान गफ्फार को भी जो दिया गया था 1987 में दिया गया था, वो बलूचिस्तान के थे, सीमांत प्रांत के बलूचिस्तान के थे, तो उन्हें 1987 में भी दिया गया था, ओके, भारत रत्न।
नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था 1993 में, यूएनओ ने दिया था। ओके, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया कि बहुत शांति के साथ जो है पूरा जो है यूएनओ का जो है क्या एस्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, कि पूरा उसका उसका उद्देश्य ही था, उसका पर्पस था कि पूरे विश्व में क्या करना है, शांति कायम करना, तो इनको दिया गया था। ओके, मंडेला को 1993 में। यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है कि यूएनओ ने कब प्राइज दिया, नोबेल पीस प्राइज है ना, शांति के लिए प्राइज दिया गया था। और मंडेला उन्होंने 2009 में यानी यूएनओ ने घोषित कर दिया, डिक्लेरेशन कर दिया कि मंडेला इंटरनेशनल डे जो है हर उनके जन्मदिन में मनाया जाएगा। और कब डिक्लेरेशन किया था, 2009 में। यहाँ मैंने इंक्लूड किया है, देखें, नोट कर दिया है हमने। तो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है उनका, उनके जन्मदिन को। ओके, 18 जुलाई को। कुछ जो है आप समरी, आप जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इसको लिखेंगे, आप याद कर लेंगे, तो आपसे क्लास 10 का जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इस यहाँ से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इन दिस एग्जैक्ट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस एग्जैक्ट में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में क्या कहते हैं, नेल्सन मंडेला स्पीक्स अबाउट हिज लॉन्ग स्ट्रगल, वो क्या किसके बारे में कहते हैं, लंबी संघर्ष के बारे में बात करते हैं, अगेंस्ट अपार्थिद, किसके खिलाफ लड़ते हैं उसके बारे में बात करते हैं, अपार्थिद के खिलाफ, अपार्थिद 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 इसको कहा जाता है। अपार्थिद इज अ पोलिटिकल सिस्टम, अपार्थित क्या है, पोलिटिकल सिस्टम है, एक पॉलिसी है दैट सेपरेट्स पीपल, जो लोगों को अलग करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, रेस के अनुसार, कलर के अनुसार है ना, क्रीड के अनुसार, डायनेस्टी के अनुसार। अपार्थित वाज द हार्शेस्ट एंड इनह्यूमन पॉलिसी, अपार्थित कैसा है, एक हार्शेस्ट पॉलिसी था, बहुत ही कठोर पॉलिसी था। ओके, और इनह्यूमन पॉलिसी था जिसमें मानवता नहीं दिखता था। ओके, ये बहुत ही कठोर था। ओके, द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीकन नेटिव्स हैड बीन टेकन अवे, जो साउथ अफ्रीकन में, अफ्रीका में जितने भी लोग थे वहाँ के, जो जहाँ वहाँ पैदा हुए थे, उनके भी फ्रीडम जो आज़ादी छीन ले गए थे गोरे लोगों के द्वारा, जो सिर्फ 9% लोग गोरे लोग थे और 85 जो कहा जा सकता है 90 तक जो है 90% तक जो ब्लैक लोग थे उस पर क्या लोग शासन चला रहे थे गोरे लोग। ओके, मंडेला हैड टू स्पेंड, ओके, हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, उनको कितने साल गुजारना पड़ा, 30 साल गुजारना पड़ा जेल में। ओके, रॉबिन जेल में भेजा गया था उनको, है ना, द्वीप में। ओके, एक द्वीप है वहाँ पे, उन्हें 27 साल लगातार रहना पड़ा था। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, ओके, लंबी स्ट्रगल करने के बाद डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ। ओके, कब हुआ, 1994 में, और उनकी पार्टी ने 252 सीट लाई और 400 में। ओके, और ही वाज द एनसी वन, 252 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स। दस नेल्सन मंडेला, इस प्रकार नेल्सन मंडेला बिकेम द 16th ब्लैक प्रेसिडेंट, 16th एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इस तरह से वो नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट और 16वां राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के। ओके, इन दिस एग्जैक्ट, इस छोटे से एग्जैक्ट में, इस एग्जैक्ट में, इस अंश में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के, मंडेला स्पीक्स अबाउट, मंडेला बात करते हैं किसके बारे में, इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में। ओके, हेल्ड ऑन 10th मई, कब होता है, 10th मई में होता है। ओके, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में होता है। ओके, इन 10th मई 1992 प्रिटोरिया में होता है। ओके, इन हिज स्पीच मंडेला सेज, अपने स्पीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस कहता है, क्या कहते हैं, नेवर नेवर अगेन इन दिस ब्यूटीफुल लैंड विल एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ओके, कि जिंदगी में कभी ऐसा समय नहीं आएगा, अब ऐसा कभी नहीं आएगा कि इस देश में, हमारे इस धरती पे, इस पृथ्वी पे जो है लोग क्या करेंगे, दूसरे लोग एक दूसरे पर ऑपरेशन करेंगे यानी दबाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कभी मौका नहीं आएगा। तो आप यहाँ से सारे ऑब्जेक्टिव आपको बन सकते हैं, यहाँ से सारे सब्जेक्टिव बन जाएंगे। इसमें आप कुछ सब्जेक्टिव अगर लिखते हैं, अगर आपका क्वेश्चन उस अनुसार आता है, तो आप यहाँ से 9, 10, 11 को आप जोड़ सकते हैं इसमें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। ओके, और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।